बछिया के आगे इसको आप खड़ा करें ताकि हमारे लोगों को आइडिया चले कि वाकई बकरा बड़ा है या छोटा है। ये फाइनली ये बछिया के साथ खड़ा हो चुका है बकरा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगा और मैंने जो अपग्रेड किया इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो आज ही एक शौकीन के पास मैं मौजूद हूँ भाई, वो बकरों के शौकीन है और काफ़ी अच्छी कलेक्शन में भाई वो ब्रीडर बकरे रखते हैं, जो कि मैं इस टाइम अगर बात करूँ तो उनकी जगह पर आप लोग भी जान चुके हैं, लोग अपनी ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए बकरा देख रहा हूँ, तो भाई वो इनसे कांटेक्ट करके रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं उनकी जानिब, उनका माल दिखाते हैं और उन्हें आपको ज़ाया करें। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं इनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और अपने हमारे शौक में इजाफा करें। माशाल्लाह भाई, ये देखें बकरा चेक करें, बहुत ही यूज बकरा है माशाल्लाह। ये अभी भाई मैं आपको बताऊँ लिटरली तो ये अभी बिल्कुल मेला हुआ हुआ है, ये देख सकते हैं इसके धब्बे वगैरह लगे हुए। और इसको अगर आप इस लड़के को जानते हो तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें। हमजा आप ऐसे ही रहना ताकि हमारे शौकीनों का अंदाज़ा हो कि इस बकरे की हाइट और लेंथ कितनी है। ये देखो माशाल्लाह, चीज़ होते ऐसी, गली देखें, वेट देखें, लेंथ देखें, प्योर गुलाबी है, टेल भी देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमजा भाई, ये दांतों में क्या है? ये दांतों में छः दांतों में हो चुका है। हाँ। सही। कानों की लेंथ कितनी है इसकी? बीस बाईस इंच कानों की लेंथ बता रहे हैं। और क्या इसमें एक्सपेक्टेशन करते हैं, कितना गोश्त में होगा ये बकरा? गोश्त में होगा 120 किलो वजन है इसका ऐसी। अच्छा। हाँ, जिंदा में। जिंदा में 80 किलो 90 किलो 120 केजी भाई लाइव वेट बता रहे हैं इसका, और कटने में ये 80 केजी निकलेगा माशाल्लाह। सिंह भी देख सकते हैं, कोई पीछे की साइड में मुड़े हुए नहीं है, ये देख सकते हैं। येलो आइज में गली चेक करें, कान देखें इसके बहुत यूज बकरा है, जो कि मेरे को स्पेशली इन्होंने कॉल करके यहाँ पे बुलाया, इन्वाइट किया। ये देख सकते हैं, चीज़ देखा, बहुत प्यारी चीज़ है। अच्छा हमजा, कोई ज़्यादातर हमारे शौकीन हज़रात ये कहते हैं कि भाई अगर हमारी बकरी वगैरह आप क्रॉस करवाएं, ठीक है, तो ये तो जो इस चीज़ के पैसे होते हैं वो आप समझ रहे होंगे कि वो आप इनसे कांटेक्ट करके रब्ता कर सकते हैं। दूसरा, इसकी झालर जो मैं आपको लिटरली बताऊं तो इसका जो घुटना है यहाँ से जो इसकी झालर स्टार्ट हो रही है बहुत भाई बहुत, विदाउट एनी स्पोर्ट आप इसके नाक देख सकते हैं, नकोड़ चेक करें, झालर चेक करें, बहुत प्यारी चीज़ है। तो हमजा भाई, बात सारी यहीं आ जाती है कि क्या आपने इसकी मार्केट प्राइस क्या रखी है? मैंने मार्केट प्राइस रखी है इसकी 2,20,000 रुपये। ठीक है, और माशाल्लाह। अच्छा भाई, भाई चीज़ देखें, बहुत प्यारी चीज़ है माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़रें बस्ते बचाए। और ऐसे अगर बच्चे मार्केट में अगर हों तो क्या उनकी मार्केट होती है? जाहिर सी बात है, ये तो बहुत ही यूज बकरा है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो बछिया के आगे इसको आप खड़ा करें ताकि हमारे लोगों को आइडिया चले कि वाकई बकरा बड़ा है या छोटा है। ये देख सकते हैं कि इनके पास ये बछिया खड़ी हुई है, इसका भी पूछेंगे कि बेचने वाले है या इनके पलाए। एक तरफ बकरा देखें और एक तरफ ये बछिया खड़ी हुई है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेंथ की बात करूं तो बछिया से ज़्यादा लेंथ इस बकरे की है। तो हमजा भाई, अभी जैसे ईद का टाइम है, हमारे व्यूवर्स के लिए कोई ऑफर वगैरह इस बकरे में हो जाएगी? कमी पेशी हो जाएगी? अच्छा, मार्केट में प्राइस जो ज़्यादा होते हैं तो लोकेशन पर अगर कोई बंदा आएगा तो कमी हो जाएगी? कमी हो जाएगी हमारे चैनल के तवसुस से हो जाएगी। अच्छा, इसकी एक दफ़ा टोर करवा के दिखा दें हमारे व्यूवर्स को। और भाई मैं आपको दिखा दूँ खुर वगैरह हाथ पैर में, ये देख सकते हैं बाइक खड़ी हुई है, बाइक जो 70 बाइक है, और ये बकरा। चीज़ के पैसे हैं दोस्तों, और कोई बात नहीं है। बहरहाल जो लोग शौक करते हैं, जो अपने फार्मर जो हज़रात हैं भाई, वो ये चीज़ देख रहे हैं तो आप इनसे कांटेक्ट करके रब्ता कर सकते हैं। हमजा, अपना कांटेक्ट नंबर बताओ। 0316-8626-492-492। लोकेशन भी बता दो अपनी साथ। लोकेशन करूँगी 5 नंबर मच्छी मोड़ सोगाट।
कोरंगी 5, मच्छी मोड़ सोगाटा। अच्छा ये क्या ये बछिया भी बेचने की? नहीं ये नहीं, ठीक है ये शौक के लिए लेता है। तो हमारे व्यूवर्स को एक आइडिया दें तो क्या घर पे लोग पलाई कर सकते हैं सिंगल जानवर की? हाँ क्यों नहीं। वनडे में कितना खर्चा आ जाता है एक दिन में? 500 रुपये। 500 रुपये आप खिला रहे हैं, खाने में क्या देना है इसको? टुकड़े खल, 2 किलो, 3 किलो टुकड़े, 1 किलो खल, अच्छा 4 किलो भूसा। सही। तो भाई मैं इनकी बछिया भी दिखाता हूँ। तो हमजा ये कुर्बानी के लिए? नहीं नहीं ये ऐसी पाली। अच्छा भाई ये अभी फिलहाल पाली हुई है बछिया, देख सकते हैं बहुत गोल मोल हुई पड़ी है, ये देख सकते हैं बहुत प्यारी चीज़ है, गुलाबी नाक में। 500 रुपये रोज एक जानवर पे खर्चा आ रहा है। और बकरे पे अगर बात करें तो एज कम्पेयर बड़े जानवर के, क्या बकरे में भी इतना खर्चा आता है या कम आता है? बकरे में ज़्यादा है, हमारे पास ज़्यादा है। तो बकरे में आप इसे क्या डाइट देते हैं कि बकरा अपनी सेहत में मेंटेन रहे? मैं दूध देता हूँ, मक्खन देता हूँ। अच्छा मतलब डेली तो नहीं होता होगा ना ये हफ्ते में? रोज डेली, डेली देते हो आप? मैं रोज डेली बांधते समय देता हूँ दूध मक्खन और अंडे। अंडे ठीक है, क्योंकि ब्रीडिंग ब्रीडर बकरा होता है, हाँ गर्म रहता है, जाहिर सी बात है आगे भी इसको मतलब मामला जो होते हैं। ये देख सकते हैं भाई अब ये फाइनली ये बछिया के साथ खड़ा हो चुका है बकरा, एक तरफ बछिया है और दूसरी तरफ ये बकरा है। तो भाई ये थे आज जो हम इनके पास आए स्पेशली, और जो भाई अपने जानवरों का शौक दिखाना चाहते हैं तो हमारे इस कॉन्टेक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0330-22-26251। आप हमें कॉन्टेक्ट करें, हम आपके शौक भी दिखाएंगे और शौकीनों के, और जो माल परचेज का है, सेल का है, जो भी है एक्स वाई जेड, हम वो भी आपके साथ कॉन्ट्रीब्यूट करके चैनल के तवसुस से आपका माल ईजिली सेल आउट करवाएंगे। माशाल्लाह खाने पीने में भी देख सकते हैं सब चीज़ हर लिहाज से होके, बस ये जो इसमें अभी इस टाइम कमी आ रही है मेरे हिसाब से भाई ये नहाया नहीं है, यही बात है ना, बस बाकी ओवरऑल बकरा आपके सामने है। लाइव वेट इन्होंने बताया 120 kg इसका लाइव वेट है, बाकी कटने में 80 kg निकल जाएगा। और कटने के पर्पज़ से भी कोई लेना चाहे तो भाई गोश्त के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। भाई गोश्त का क्या रेट चल रहा है? गोश्त का चल रहा है मेरे ख्याल 2000 रुपये, 2200। 2000 रुपये? क्या अंडू बकरे का भी यही रेट होता है? अंडू बकरे का भी यही, अभी इस टाइम यही चल रहा है। तो भाई 80 किलो गोश्त में ये बकरा है तो आप 2000 से हिसाब लगा सकते हैं। अगर कोई गोश्त के दाम में भी लेना चाहे? गोश्त के दाम में दे देंगे, दे दोगे? चलें भाई ये एक और इनसे बात मैंने कर ली कि गोश्त के दाम में भी भाई ये बकरा मिल सकता है आपको ईजिली, तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत प्यारी चीज़ है। अगर कोई ब्रीडिंग करवा के भी अगर इसको कुर्बानी करना चाहे तो उसके लिए भी बहुत अच्छी ये एक मतलब साबित हो सकता है। ब्रीडिंग के लिए गारंटी दूंगा, ब्रीडिंग के लिए ओके के लिए ठीक है भाई, छोड़ के देखना बकरी, हाँ फिर सौदा करना। अच्छा भाई हर लिहाज से भाई हमजा भाई गारंटी दे रहे हैं भाई, जगह पे चीज़ खड़ी हुई है, कोई मार्केट में नहीं है, नंबर भी दिया इन्होंने, आप विजिट कर लें, देख लें समझ में आए ठीक है, नहीं है नसीब का सौदा है खैर। बहरहाल और माल भी आएगा हमजा भाई? और भी आएगा। बड़ों का काम करते हो? कब आ जाएगा माल सारा? माल आएगा मेरे ख्याल एक आध हफ्ते के बाद आएगा, एक आध हफ्ते में भाई माल आ जाएगा। तो भाई ये जो चीज़ है आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि मार्केट प्राइस अभी क्या है, मार्केट और ऊपर जाएगी क्या लगता है आपको? ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी ठीक है भाई। 2 लाख रुपये में मैं समझ सकता हूँ इतने यूज बकरे की, अगर मार्केट में ऐसे अगर बकरे देखें तो भाई 6 लाख रुपये, 7 लाख रुपये बोले जाते हैं, जो कि इन्होंने एक नॉर्मल प्राइस रखी है इसमें भी कमी पेशी हो जाएगी, ऐसा ही हमजा भाई? ऐसा ही है। तो चलते हैं भाई वीडियो को वाइंड अप करते हैं, वाइंड अप करने के बाद आप इनकी जगह पे आएँ, लोकेशन पे हो सकता है आप जब देखना है तो और भी माल आपको नज़र आ जाए ठीक है। अच्छा खस्सी बकरों की रिक्वायरमेंट है वो भी आपके पास मौजूद है? मौजूद है नहीं, आज आएंगे, आज आएंगे ठीक है, आज आएंगे तो भाई वीडियो अपलोड होगी, उसके बाद आप इनसे कॉन्टेक्ट करके रब्ता कर सकते हैं। एक बार फिर आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दो। 0316-86-26492 ठीक है। लोकेशन कहाँ की है? लोकेशन कोरंगी 5 नंबर मच्छी मोड़ सोपा। ठीक है भाई, कोरंगी में भी अच्छे खासे शौकीन हजरात मौजूद हैं, आप विजिट करें, विजिट करने को कोई पैसे नहीं है और चीज़ समझ में आ जाए, दिल पे लग जाए तो भाई ले लेनी चाहिए बिना वक्त को ज़ाया किए।